हाय गाइस, आज हम बनाएंगे चीज़ चिली की ये रेसिपी जो कि इजीली आप घर पे बना सकते हैं, खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। बहुत ही टेस्टी बनती है। ये जो टाइम चल रहा है इसमें मन करता है कि कुछ ऐसा मज़ेदार खाया जाए, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चीज़ चिली की ये रेसिपी। इसके लिए मैंने पनीर को ऐसे कट कर लिया है, ज़्यादा छोटे पीसेस में नहीं, मीडियम में ही कट किया। अदरक लहसुन को ऐसे चॉप कर लिया है अच्छी तरह से, और हरी मिर्ची ली है, और ये अरा रूट लिया है, और मैदा लिया है हाफ कटोरी, और नमक है, डार्क सोया सॉस है, और रेड चिल्ली पाउडर है, चिल्ली फ्लेक्स हैं, टमाटो सॉस है, हरी मिर्ची है, और ये स्पाइसी रेड चिल्ली सॉस है, ये भी डालेंगे। जितना तीखा पसंद है उतना डाल सकते हैं। प्याज और ये शिमला मिर्च को ऐसे कट कर लिया है। सबसे पहले हम एक बाउल में मैदा और अरारूट मिक्स कर देंगे। ये डाल दिया मैदा और अरारूट, इसमें हम रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे और नमक डाल देंगे और चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे और पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितना स्पाइसी आप खाते हो आप उतना डाल सकते हैं मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसे अच्छी तरह से हम घोल लेंगे ताकि एक स्मूथ सा बैटर बन जाए। ये देखिए, आप चाहें तो पानी की जगह पे अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पानी डाल लीजिए, अंडे से भी बहुत बढ़िया बनता है बैटर। पानी डालते रहेंगे और जैसे हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं वैसे बैटर बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाएंगे, मिक्स करते रहेंगे अच्छी तरह से ताकि कोई भी गुठलियाँ ना बने इसमें। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजीली आप घर पे बना सकते हैं और मज़े ले सकते हैं। रेस्टोरेंट में एक तो महंगा मिलता है और एक इस टाइम पे बहुत डर लगता है, तो आप घर पे ही बनाएं। इसमें थोड़ा सा हम अदरक लहसुन भी डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ब्लीन में। आप चाहें तो घर वाला डालें, नहीं तो दूसरा पैकेट वाला भी डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और अब हम सभी पनीर पीसेस को इसमें डिप करके फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, वन बाय वन सभी डाल देंगे पीसेस और इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। एक साथ ना डालें, धीरे धीरे करके सभी डालें, नहीं तो चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ। थोड़ा सा ध्यान से ही डालें। फ्लेम को मीडियम पे रखें। पहले तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लें और उसके बाद जो फ्लेम है उसे मीडियम कर दें। आप इन पकौड़ों को एज ए स्नैक्स भी खा सकते हैं अगर बच्चों को देना हो तो। मेरी बेटी हाफ ऐसे ही खा जाती है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए, ये गोल्डन हो चुके हैं सभी पकौड़े हमने तल लिए, कितने बढ़िया कोटिंग हुई है देख सकते हैं आप। तेल हमने रख दिया, अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा, तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ये अदरक लहसुन और डाल देंगे। इसमें अदरक लहसुन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जितना डालो उतना ही टेस्टी लगता है। आप ज़रूर ट्राई करें, ऐसे बहुत ही टेस्टी बनता है ब्लीन में। और अब हरी मिर्ची डाल देंगे। और चिली फ्लेक्स डाल देंगे।
प्याज डाल देंगे। पहले हम प्याज डालेंगे, बहुत ही टेस्टी, आप घर पे तैयार कीजिए, बहुत ही बढ़िया बनती है ये चीज़ चिल्ली की रेसिपी। प्याज को हमने ओवर कुक नहीं करना, क्रंची सा रखना है क्योंकि चीज़ चिल्ली में प्याज क्रंची से अच्छे लगते हैं। एक दो मिनट ऐसे ही हिलाएंगे। अब इसमें शिमला मिर्च भी डाल देंगे, जितनी आपने डालनी है आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं और जितनी क्वांटिटी पर मेंबर्स के हिसाब से आप बना सकते हैं। और ये देखिए शिमला मिर्च और प्याज को अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे। ये देखिए हो चुके हैं, इन्हें बस इतना रखना है हमने, ओवर कुक नहीं करना, क्रंची रखना है क्योंकि चीज़ चिली में क्रंचीनेस ही अच्छा लगता है। नमक डाल देंगे, डाल सकते हैं ये आपकी चॉइस है, और हॉट चिली सॉस डाल दूंगी स्पाइसीनेस के लिए। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह से हिला देंगे। अब ये फ्राई की हुई चीज़ पीसेस को हम डाल देंगे जो पकौड़ों की तरह हमने तले हैं, ये देखिए इन्हें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, ज़्यादा तेज़ी से नहीं, तो नहीं तो पनीर सॉफ्ट होता है वो ऐसे ही टूट जाएगा। अब हम इसमें टमाटो सॉस डाल देंगे, बच्चों के लिए बना रहे हों तो थोड़ी सी टमाटो सॉस ज़्यादा डाल सकते हैं। डार्क सोया सॉस बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। अब मैं थोड़ी सी इसमें थिकनेस लाने के लिए, जैसे शाइन लाने के लिए, अरारोट का एक चम्मच, और इसे पानी के साथ मिक्स करके ऐसे डाल दूंगी, इससे शाइन भी बहुत बढ़िया आएगी। और अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया हमारा ये चीज़ चिल्ली बनके तैयार हो गया है, बहुत ही ईजिली आप घर पे बनाएं, खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। चलिए अभी डिश आउट कर लेते हैं। ये लीजिए बहुत ही लाजवाब चीज़ चिल्ली की रेसिपी ये रेडी है। ये लीजिए बहुत ही सुपर डिलीशियस चीज़ चिल्ली की ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आशा करती हूँ कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।